सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने लिए 125 सीसी बाइक लेने का सोच रहे हो? तो थोड़े समय के लिए रुक जाना, क्योंकि खबर आ रही है दोस्तों कि बजाज बहुत ही जल्द अपनी पल्सर की N125 को लॉन्च कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी बजाज ने हाल ही में पल्सर N150 को लॉन्च किया है, उसी तरह बजाज की पल्सर N125 आपको देखने को मिल सकती है। मॉडल और डिजाइन की बात करें तो ये आपको सेम N150 वाले लुक में ही देखने को मिलेगी। सेम टू सेम वही लुक रहने वाला है जैसे बजाज की पहले पल्सर 150 आती थी, फिर उन्होंने पल्सर 125 को लॉन्च किया था, वैसे ही यहां पर अब आपको पल्सर N150 के तरह ही पल्सर N125 देखने को मिलेगी। इंजन की बात करें तो इस बाइक में आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि एयर कूल्ड इंजन होगा। सेम वही N150 वाला इंजन ही रहेगा दोस्तों, बस इसका डिस्प्लेसमेंट कम करके इसे डीट्यून किया जाएगा। पावर की बात करें तो इसमें आपको 12 PS की पावर मिल जाएगी एंड 11 Nm के आसपास का टॉर्क मिल जाएगा। बाइक में आपको 5 गियर मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इसके टायर वगैरह जरूर पतले हो सकते हैं। फ्रंट में आपको 80 क्रॉस सेक्शन का, वही रियर में आपको 100 क्रॉस सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। बाकी वेट इसका सेम वही 145 kg रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, चेचिस वगैरह बाइक की जब सेम रहेगी तो वेट भी सेम सा ही रहेगा। बाकी लुक वगैरह की बात करें तो सिमिलर N150 वाला ही लुक रहने वाला है। फ्रंट में आपको DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं बाइक के प्राइस की। तो इस बाइक की ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 1,15,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रहने वाली है। क्योंकि जो पल्सर 125 आती है स्प्लिट सीट या फिर कार्बन एडिशन, वो आपको 1,13,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है। तो लगभग उससे थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, पर आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे इस बाइक में मिल जाएंगे। बाकी बाइक लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। लॉन्च की बात करें तो ये बाइक आपको 2024 में जनवरी फरवरी के महीने में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगले साल बजाज काफ़ी बाइकें लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपकी क्या राय है इस बाइक के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।